तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बातचीत करने जा रहे हैं वी लुकअप के लुकअप या लुकअप मेथड कर लीजिए, जनरली वी लुकअप पॉपुलर है इसलिए वी लुकअप बोल रहा हूँ, बट लुकअप मेथड कर सकते हैं इसको, लुकअप मेथड के दूसरे चैप्टर की। पहले चैप्टर में हमने वी लुकअप को जाना था, वी लुकअप जो कंडीशन थे उसके बारे में जाना था, फिर हमने जाना था अगली क्लासेज में कि किस तरीके से हम मैच को वी लुकअप में ऐड करते हैं। आज हम बात करेंगे मैच इंडेक्स ऑफसेट एच लुकअप एंड लुकअप फॉर्मूले के बारे में। चलिए शुरू करते हैं, मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन आपको दे रहा हूं। तो ये डेटा वही है जो कि हमने हेलो सर की आवाज नहीं आ रही है, आई थिंक सर को सर आवाज नहीं आ रहा है, नहीं वो ब्लूटूथ ऐड कर रहे हैं आई बिलीव। अच्छा, और शुभम जी आप क्या करते हैं? मैं भी आपकी तरह फाइनेंस में हूँ, क्रेडिट में। आप सर? क्रेडिट कंट्रोल में आप? क्रेडिट अंडरराइटिंग लोन्स। ओके, आप कहाँ पे हो? तो मेरे पास लास्ट क्लासेस में हमने इसी डेटा पे वर्क किया था और डेटा में हमने बताया था आपको कि इस तरीके से हम अपना डेटा को लुकअप करते हैं वी लुकअप के माध्यम से। अभी जो हम आपके साथ बातचीत करने जा रहे हैं वो कर रहे हैं कि मेरा डेटा एक शॉर्ट डेटा यहाँ पड़ा हुआ है, बस इस ए डेटा हमारे इस डेटा की तरह नहीं है क्योंकि इस डेटा में जो SID था वो सबसे स्टार्टिंग में था, बट अब जो मेरे पास डेटा आया है उसमें SID बीच में रखा। अब मुझे मान लीजिए कि 6 का डेट एंड सेल्स मोड चाहिए, 6 नंबर कोड का, इसमें वी लुकअप नहीं लगा सकते क्योंकि वी लुकअप अगर हम लगाते हैं तो क्या होगा कि हम इसको लुकअप इससे आगे की तरफ कर सकते हैं, इसे पीछे नहीं कर सकते क्योंकि मैंने बताया था कि वी लुकअप जहां हम जिसको खोजते हैं 6 को ढूंढना है हमें और हमने सिलेक्शन अगर मान लीजिए शुरू से किया तो 6 को डेट में ढूंढेगा क्योंकि जो पहला कॉलम होता है टेबल एरिया का उसी में ढूंढता है, तो मुझे SID देना पड़ेगा तभी वो ढूंढ पाएगा। तो SID में 6 ढूंढेगा तो वो हमेशा लेफ्ट टू राइट चलता है, मतलब कि ये आगे की तरफ चलेगा, तो 6 के बाद वाले कॉलम तक जो D के बाद वाले कॉलम उसी को उठा पाएगा, उससे पहले कॉलम को नहीं उठा पाएगा। तो ये काम हम वी लुकअप से नहीं कर सकते क्योंकि वी लुकअप के रेंज से बाहर की चीजें हैं। अब यहाँ पे हम लगाते हैं फॉर्मूला अगेन वी लुकअप के जगह पे क्या लगाएंगे, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है इंडेक्स का। इंडेक्स फॉर्मूले में हमने पूरी की पूरी एरिया को सिलेक्ट कर लिया और इसमें देना होता है कि रो नंबर, तो मैंने बोला कि जो इसका रो नंबर है वो है हमारा 6, एक 6 7 नंबर रो नंबर है 7 और कॉलम नंबर है मान लीजिए 2 1 1। यहाँ पे आपको दे दिया डेट दे दिया। अब मैं यहाँ पे वापस इंडेक्स का फॉर्मूला लगाता हूं और फिर हमने इसको सिलेक्ट किया और हमने बोला कि भाई रो नंबर 7 कॉलम नंबर 2 है, सेल्स मोड आ गया, बट प्रॉब्लम है ये तो मैनुअल हुआ, हमारे इस नंबर से इसको कोई कनेक्टिविटी नहीं है। मान लीजिए मुझे 16 नंबर रो चाहिए, 16 नंबर सोसाइटी का डिटेल चाहिए तो चेंज नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि इंडेक्स फॉर्मूला मैनुअल है। इंडेक्स फॉर्मूला लुकअप में वैल्यू शो करता है, वी लुकअप की तरह वैल्यू शो करता है, लेकिन उसको आपको एक रो और एक कॉलम बताना पड़ता है। ये इंडेक्स फॉर्मूला एक कभी नहीं कर सकता कि आपकी वैल्यू को लेके ढूंढ दे, जैसे वी लुकअप ढूंढता है मैच ढूंढता है, ऐसे नहीं ढूंढता। इंडेक्स करता है कि तो मुझे डेटा के एरिया बता दो, रो कॉलम बता दो, तो उस रो एंड कॉलम की वैल्यू उठाकर आपको दे दूंगा। तो अगर मान लीजिए कि ये जो 7 नंबर है, मान लीजिए 16 नंबर वैल्यू का देखता हूँ, मैंने कि 17 नंबर इसका कॉलम है, 17 नंबर मैंने रो नंबर डाल दिया तो डेटा अपडेट हो गया, लेकिन इस 17 और 7 2 जो हम बार बार चेंज कर रहे हैं ना यहाँ पे, इसको ऑटोमेट कर दे। कैसे ऑटोमेट करेगा? तो इसके लिए हमारे पास मैच का फॉर्मूला है। मैच हमने वैल्यू को लिया क्योंकि मैंने बताया था कि मैच वर्टिकल एंड होरिजेंटल दोनों पे वर्क करता है,
हमने सिलेक्ट कर ली अपनी एसआईडी को कॉमा या जीरो, तो इसने बता दिया कि इसका रो नंबर 17 आया, मैंने हेडिंग जो है अलग कर दिया, हेडिंग को सिलेक्ट करना पड़ेगा, 17 दे दिया। अब ध्यान रखिएगा यहां पे 17 आया है और आपका रो नंबर 17 से कोई लिंक नहीं, एक काउंट करता है ऊपर से नीचे की तरफ, इसे काउंट करके बताया कि 17 नंबर रो है। तो यहां जहां पे आपने 17 नंबर मैनुअल दे रखा है उस पे हम अपना मैच का फॉर्मूला पेस्ट कर देते हैं। मैच और इंडेक्स को कंबाइन करके हम वी लुकअप की तरह एक फंक्शन बना दिया जो कि लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट हर एंगल से लुकअप कर सकता है। तो मैं यहां पे अगर 1 देता हूं, 2 देता हूं, 3 देता हूं, 4 देता हूं, तो वी लुकअप की तरह काम कर रहा है ना सर? क्या बोल रहे हैं सुधांशु जी, शुभम जी, सॉरी शुभम जी, शुभम जी, टेन जी, समझ में आया आपको? जी सर। हेलो, हाँ जी सर, आ गया। हेलो एन जी, आवाज आ रही है मुझे आपको? हाँ जी सर, आ रही है। तो आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, आवाज आ रही है आपको? आपकी आवाज आ रही है सर को, हमारी आवाज नहीं जा रही। हेलो, हेलो, अच्छा अब आ रही है। ओके, समझ में आया आपको ये मैच इंडेक्स? हाँ जी, सिक्टेन जी, हाँ जी, आ गया सर। अब देखिए एक मैच और इंडेक्स जो हमने लगाया तो इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? कि ये जो है पूरा का पूरा एरिया सिलेक्ट कर लेता है, कल के डेट में डेटा नीचे बढ़ता है आगे बढ़ता है, तो हमें यहाँ पे मैनुअल अपडेट करना पड़ेगा यानी चेंज करना पड़ेगा, या मुझे एक ब्लैंक डेटा सिलेक्ट करना पड़ेगा, पूरी रो एंड कॉलम सिलेक्ट कर लेते तो दिक्कत होगा। तो इसका सोल्यूशन क्या है? एक और ऑफसेट की तरह, मैच की तरह एक फॉर्मूला होता है ऑफसेट का, सेम मैच की तरह परफॉर्म करता है। इसको सिलेक्ट किया रेफरेंस, लेकिन इसमें क्या होता है, ऑफसेट बोलता है कि मुझे पूरा का पूरा रेंज मत बताइए, मुझे बस स्टार्टिंग ऑफ द डेटा दीजिए। हम यहाँ पे स्टार्टिंग ऑफ द डेटा हमने दे दिया, बोलता है इसमें रो एंड कॉलम बताइए, तो हमने रो लिया, लेकिन क्या है कि ऑफसेट जो अपना काउंट स्टार्ट करता है वो जीरो से करता है, वन से नहीं करता है। तो मतलब कि हमारा जो 2 होगा ऑफसेट के लिए 3 हो जाए, क्योंकि वो 0 1 2 करेगा सर, इसलिए हमेशा 1 कम दीजिएगा। एंड कॉलम्स भी मुझे चाहिए तो मैंने सेम चाहिए तो 0 कर दीजिए सर। तो छठी रो का पहला कॉलम, जी नहीं, ये क्या किया बताता हूं आपको, इसने किया छठी रो यहां से स्टार्ट किया, 7 है ना, यहां से स्टार्ट किया 0 1 2 3 होते होते 7 पे ही पहुंचा, क्योंकि इसके लिए 7 जो है 8 हो जाएगा, क्योंकि 0 से स्टार्ट ये देंगे ताकि 7 हो जाए। नहीं, अच्छा 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 अच्छा, ओके, अगर -1 नहीं करते तो 8 पे जाता, हमने -1 किया तो 7 का 7 पे ही रहेगा। जी हाँ, क्योंकि वो जीरो से सेवेंथ रो का फर्स्ट कॉलम। जी हाँ, अब यहाँ पे हमने 0 दे दिया, मतलब कि सेम कॉलम, तो 0 कॉलम है ना, हमने मुझे जो जो इंडेक्स को देते हैं उससे 1 कम दीजिए ऑफसेट को, क्योंकि इंडेक्स का फॉर्मूला काउंटिंग 1 से करता है, ऑफसेट का फॉर्मूला काउंटिंग 0 से करता है। हो गया सर?
आप इंडेक्स मैच लगाए या ऑफसेट मैच लगाए आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब अगली फॉर्मूला आता है एच लुकअप का। अब मान लीजिए कि हमारे पास जो डेटा था वो वर्टिकल था, मतलब कि टॉप टू डाउन था, हमारे जो यूनिक आईडी थे वो कॉलम में थे, रो में नहीं थे। बट मेरा डेटा ट्रांसपोज हो गया, ये मेरा डेटा हॉरिजॉन्टल हो गया, हमारा इधर लेफ्ट टू राइट हो गया। अब मुझे तीन नंबर का सिटी चाहिए, तो इस थ्री नंबर को मुझे कॉलम में नहीं रो में ढूंढना, ठीक है। सॉरी सर, वाह, तो यहां पे जो सिटी है मुझे निकालना, तो वी लुकअप तो लगेगा नहीं। ना लगने के पीछे रीजन क्या है? क्योंकि हमारा ये हॉरिजॉन्टल डेटा है, तो यहां पे हम एच लुकअप लगाए। लुकअप वैल लगाने का तरीका बिल्कुल सेम वी लुकअप की तरह है, बस वी लुकअप में हम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल देते थे, इसमें आपको हॉरिजॉन्टल डेटा सिलेक्ट करना पड़ेगा, और वी लुकअप में हम कॉलम काउंट कर देते, यहां पर आपको रो काउंट करेगा। जी यहां पर 1, 2, 3, 4, 0। बाकी चीज सेम है जो अभी लुकअप में हमने किया है, लेकिन इसको हम मैच इंडेक्स से भी कर सकते हैं या ऑफसेट मैच से भी कर सकते। कैसे? सबसे पहले तो मैं यहां पे मैच का फॉर्मूला लगाऊंगा और इस तीन नंबर रो को इस कॉलम में ढूंढूंगा। बताया कि मैच हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों वर्क करता है, तो इसने थ्री नंबर का कॉलम नंबर फोर दे दिया, ये चौथे नंबर कॉलम पे है। मैं यहां पे इंडेक्स अगर लगाया तो मुझे पूरा का पूरा डेटा सिलेक्ट करना पड़ जाएगा और उसमें बताना पड़ेगा कॉलम नंबर, रो नंबर। रो नंबर हमारा फोर है और कॉलम नंबर जो कि हमारा मैच दे रहा है। तो जो हमने वर्टिकल डेटा के लिए किया था उसका उल्टा यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे हमने रो को मैच से सर्च किया था, कॉलम मैनुअल दिए थे, यहाँ पे आपको मैनुअल रो देना है, कॉलम को सर्च करना है मैच से। अगर हम ऑफसेट लगाते हैं तो सेम स्टार्टिंग में डेटा देंगे और यहाँ पे देंगे थ्री, फोर नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि ऑफसेट पे हमने फोर दिया, इसमें इंडेक्स पे फोर दिया था, इसे एक कम देंगे क्योंकि ये जीरो से काउंटिंग शुरू करता है। एंड कॉलम नंबर इसको सिलेक्ट करके माइनस। तो एच लुकअप इस्तेमाल कीजिए या फिर इस्तेमाल कीजिए मैच इंडेक्स या इस्तेमाल कीजिए ऑफसेट मैच, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है सर। कैप्टन जी समझ में आया आपको? हाँ जी आ गया, कोई डाउट इसमें? नहीं नहीं चलिए अब इसमें आगे हम बढ़ते हैं। सबसे पहले हम इस बात को जानते हैं कि जब भी वी लुकअप लगाया है लास्ट में हमने जीरो दिया है ना सर। जैसे मैंने बताया था आपको कि जीरो वन होता है एग्जैक्ट मैच या अप्रोप्रिएट मैच होता है। मैच है ये होता है क्या? सॉरी अगर प्रोनाउंसिएशन गलत हो गया होगा तो, ये करता है क्या? बेसिकली ए जो होता है वो होता है कि आपकी मिलता जुलता। तो चलिए पास एग्जांपल बताते हैं। हमारे पास एक डेटा है आपके सामने में सेल्स का, और मुझे इस ट्रैक के अकॉर्डिंग इंसेंटिव यहां पे डालना है। तो आप बोलेंगे सर ये तो आपने मुझे इफ फॉर्मूले पर आया था नेस्टेड इफ में, याद होगा कि मैंने बोला था लेस देन इक्वल टू 40 तो 500, फिर अगेन हमने लेस देन इक्वल टू 80 तो 1000, राइट सर। तो इसको कैसे किया जाए?
हम क्या करेंगे कि अपने जो डेटा हमारा है इसको इस फॉर्मेट में डालेंगे, ठीक है। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट 0 to 40 है तो 0 डल जाएगा, 41 to 80 है तो 41 डल जाएगा, 81 से 100 है तो यहाँ पे 18 होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, हाँ 81 हो जाएगा, और यहाँ पे 10 greater than 100 तो 101 कर दिया। इस फॉर्मेट में डालिए और फिर यहाँ वी लुकअप लगाइए, इसको सेलेक्ट कीजिए, नहीं डेटा को सेलेक्ट कीजिए column 2, 2, 0। आपने जीरो कर दिया तो एन में आया क्योंकि 57 नंबर इसमें है ही नहीं, तो के जगह पे हम वन करेंगे या फिर ट्रू कीजिए, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि एक्सेल में वन इक्वल टू ट्रू, वन इक्वल टू ट्रू एंड जीरो इक्वल टू फॉल्स। जैसे ट्रू करेंगे तो ग्रुप लुकिंग करता है, ये लुकिंग करेगा कि 57 किसके बीच में है, इसके बीच में है, इसके बीच में है, हाँ इसके बीच में है, इसके सामने वाले वैल्यू शो कर देगा। मैं इसको फ्रीज करके नीचे की तरफ ड्रैग कर देता हूं, समझे। करते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है, ऐसे मतलब कि क्या आपस में मिलता जो अप्रोक्सीमेट मतलब होता है ना लगभग, तो क्या हम यहाँ पे अगर लिखें पूजा सिंह मेरा डेटा है और इसमें नंबर हमने डाल दिया, और क्या हम पूजा को लुकअप करेंगे तो लुकअप हो जाएगा, नहीं ट्रू मतलब कि वन लुकअप वैल्यू का एप्रोक्सीमेट आ जाएगा बस, नहीं जो मैं समझा रहा हूं कि ये सिर्फ नंबर पे वर्क करता है, किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट पे वर्क नहीं करता है, मैं ही समझा रहा हूं। कुछ लोग ऐसी गलती कर देते हैं, मेरे पास ऐसे कॉल्स प्रॉपर आते रहते हैं, इसलिए मैंने आप ही से शुरुआत किया कि बताया जाए। अच्छा यहाँ पे पूजा सिंह के अगर नंबर होता 1 2 3 4 और वहां पे आपका तो नंबर लुकिंग कर लेता, लेकिन वो भी नंबर शॉर्टिंग डे में होना चाहिए। मान लीजिए कि यहाँ भी 40 50 दिया हो, 20 दिया हुआ है या 40 दिया हुआ, तो ऊपर को लुक करेगा नीचे को नहीं करेगा। और बात आती है कि फिर इसको कैसे ढूंढा जाए, तो टॉपिक हम आपको कल की क्लास में समझाएंगे, फिलहाल जो है ठीक सर शीट दे दीजिएगा, इग्नोर कर दीजिए, अभी खत्म नहीं हुई क्लास। अच्छा ठीक है ना, मैं आपको अगले क्लास में बताएंगे। अब बात आती है इसमें एक और फॉर्मूला है लुकअप का, तो फॉर्मूला क्या करता है, लुकअप फॉर्मूला सेम काम करता है जो भी किया है अनन किया है जीरो वाला सिस्टम। लगाने का तरीका क्या है, हमने लुकअप वैल्यू लुकअप वेक्टर एंड रिजल्ट वेक्टर दोनों को सेलेक्ट कर लिया, लुकअप वैल्यू है A3 और ढूंढना है डी से डी कॉलम में, हम रिजल्ट देने ही काम वी लुकअप भी इकट्ठे सेलेक्ट कर लेते हैं ना, आपको हाँ। जिसने ढूंढना है और जो रिजल्ट चाहिए वो दे दीजिए, ठीक है ठीक। कॉलम नंबर का झंझट इसमें नहीं होता है। बात आती है कि क्या फायदा क्या है इसमें, इसमें फायदा क्या है, तो लुकअप फॉर्मूला अगर आप लगाते हैं तो लुकअप फॉर्मूला में एक फायदा होता है, हम कर्ली ब्रैकेट में 0, 41, 81, 1 तो डेटा को हमें हम फॉर्मूले के अंदर भी रख सकते हैं, 500, 1000, 2000 पर डिपेंड करता है।
समझ में आया सर? सर डिफरेंस क्या हुआ इनमें? आपके सामने है ना वी, बस ये मतलब वी लुकअप के लिए, वी लुकअप अगर आप लगाते हैं तो आपको एक जगह पे डेटा होल्ड करना पड़ेगा। बट यहाँ पे आपको डेटा होल्ड करने की जरूरत, यहाँ पे डेटा होल्ड करने की जरूरत नहीं, इसी के अंदर आप डेटा डाल सकते हैं। पर डेटा अगर ज्यादा होगा तो वो हमें तो सिलेक्ट करके ही रेंज देना पड़ेगा। जी हाँ, ज्यादा होगा तो फिर दिक्कत है ना। ठीक है ठीक है सर। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। तो अभी आपने देखा दो चीजें, एक तो आप वी लुकअप को अच्छे से समझ चुके हैं कैसे, उसके बाद आपने मैच और वी लुकअप को कैसे आपस में कंबाइन करते हैं ये भी आपने अच्छे से समझ लिया है। आपको बताया कि किस तरीके से आप जो है अपना ऑफसेट इंडेक्स और मैच इंडेक्स को कैसे यूज कर सकते हैं, राइट? फिर इसमें आपने एक चीज सीखा है कि किस तरीके से आप जो है एच लुकअप को यूज कर सकते हैं और किस तरह से लुकअप को यूज कर सकते हैं। ओके तो ये सब करने के बाद मुझे आपको एक काम लेने का मन कर रहा है। क्या आपको लेने का मन कर रहा है? असाइनमेंट, एक असाइनमेंट, असाइनमेंट नहीं रिसर्च नहीं, चैलेंज। क्या बोल रहे हैं शिवचैन जी, लीजिएगा, कर लेते हैं ट्राई सर जी। सबसे पहले बताइए कि आपके पास एक्सेल का वर्जन लेटेस्ट है या फिर पुराना वर्जन है? 365 है मेरे पास। मेरे पास, मेरे पे 365 है। चलिए तो 300 एक्सेल 365 365 में हमें एक फीचर्स है सॉर्टिंग का। इसमें बहुत कुछ फॉर्मूले हैं जो कि अभी बताया नहीं आपको मैंने लुकअप रेफरेंसेस में। अभी लुकअप पुराना फंक्शन ही चल रहा है, ठीक है। एक फंक्शन है सॉर्टिंग का, मतलब कि मुझे डेटा सॉर्ट चाहिए, राइट? तो करते हैं हम सॉर्ट का फॉर्मूला लगाते हैं, सॉर्ट या सॉर्ट दोनों है, तो फिर सॉर्ट को समझिए सॉर्ट। और हमने बोला कि मुझे दूसरे कॉलम के अकॉर्डिंग दूसरे कॉलम के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है वो भी असेंडिंग में। इसने डेटा को सॉर्ट करके दे दिया सर। एक चीज और ध्यान रखिएगा, सॉर्ट करते समय आप जो है हेडिंग को सिलेक्ट कर लीजिएगा, वरना हेडिंग भी नीचे सॉर्ट में आ जाएगा, ठीक है सर? हो गया, हाँ जी, सॉर्ट कर दिया, असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों कर सकते हैं। अब मुझे यही फीचर 2007, 10, 13, 16 में करना है फॉर्मूला से। आप क्या करें, सीधे पकड़े और यहाँ वो सॉर्ट कर दे। मैंने पिछले भी किसी से पूछा था इसको, तो उसने बोला सर हो गया, ठीक कैसे किया, तो कुछ नहीं करना था, इसमें जाना था सॉर्ट कर देना था। ये नहीं करना है, ठीक है ना? आपको करना है सॉर्ट विद फॉर्मूला, वो भी लोअर वर्जन। आप बोलेंगे सर क्यों बता रहे हैं, मेरे पास अवेलेबल है तो क्यों मैं लोअर। दो चीजें इसमें, पहले दो चीजें मैं बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। इसमें सीरियल नंबर भी है, माफ कीजिए, इसमें सीरियल नंबर नहीं दिया, डेटा के इसमें सीरियल नंबर भी है, ठीक है? तो मुझे इसको शॉर्ट करना है, ठीक है, वो भी 2007 या 2013 में। मतलब आपको शॉर्ट फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करना, बाकी सारे ठीक है। जी आपसे सर, मुझे तो क्वेश्चन की समझ नहीं है, पीछे शोर बहुत था सर, मुझे शॉर्ट करना था, शॉर्ट फॉर्मूला समझ में आया आपको? हाँ जी।
मुझे सेम जो शॉर्ट फॉर्मूला जो वर्क कर रहा है ना, हाँ जी सेम काम मुझे करना है। लेकिन ध्यान रखिएगा, मुझे क्वांटिटी के अकॉर्डिंग डेटा को शॉर्ट करना है वाया फॉर्मूला, लेकिन मैं शॉर्ट फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करना चाहता। कोई ऐसा तरीका होना चाहिए, क्योंकि ये पुराने वर्जन में चल जाए, क्योंकि शॉर्ट फॉर्मूला हमारा अपर वर्जन में है और मेरे पास ऑफिस 365 मान लीजिए नहीं है और मुझे सेम फीचर अप्लाई करना। अच्छा, तो हमने सॉर्ट फार्मूला भी नहीं यूज करना और ऊपर से सॉर्ट जो शॉर्टकट टैब वो भी नहीं यूज करना। नहीं, क्योंकि मान लीजिए डेटा यहाँ पे, अब मान लीजिए मैं 8 दे दिया, 8 डाल के एंटर मारूंगा तो यहाँ अपने आप रेंज हो जाएगा ना। ठीक। टैब में करूंगा तो मुझे हर बार शॉर्ट करना पड़ जाएगा ना सर। फॉर्मूला का बेनिफिट क्या है कि ओरिजिनल डेटा चेंज होगा तो ये अपने आप को रीशेड्यूल कर लेगा। ठीक है, समझ आ गया क्वेश्चन? हाँ जी आ गया समझ में। क्वेश्चन समझ आ गया तो मैं फाइल आपको भेज रहा हूं और आप फटाफट इसकी काम शुरू कर दे, ठीक, वो मैंने आपको वो वाला क्रेडिट कार्ड वाला भेज दिया था, आप मुझे मिला देख गया सर, सही था वो? लगभग सही है। मतलब उसका कोई और भी मतलब मैंने वो फॉर्मेटिंग वो चेंज नहीं करी DDMM YY में, वो लास्ट रह गया था बस। ठीक है, चलेगा। उसको और भी कोई तरीका है सर करने का? तो बहुत सारे हैं सर। अच्छा, एक एक आध आप भी बता देना सर। बताएंगे पहले जो मैंने बताया है वो बताइए, ठीक है ना? ठीक, आपने हमारी पुरानी वीडियोस देखी होगी तो शायद आप कर पाए, तो दिमाग तो जरूर हिला देगा आपका। ये सॉर्टिंग वाला जी हाँ, ठीक है, तुम देखते हैं। और मुझे जहां तक मुझे देखिए, मुझे अंदेशा है कि गूगल पे नहीं मिलता है, एकाध मिलेगा भी आपको तो उसमें दिक्कत क्या होगी, जब नाम डुप्लीकेट होंगे, टेक्स्ट जो जो मैं करना चाहता हूँ क्वांटिटी वाइज, क्योंकि टेक्स्ट के हिसाब से करते हैं तो दिक्कत होता है, जब वो रिपीट हो जाता है तो दो नहीं इकट्ठा आ जाते हैं तो एरर दे देता है, तो नेम वाइज मत कीजिएगा, क्वांटिटी के हिसाब से कीजिएगा, ठीक है? ठीक, तो इस एग्जाम से पर इस मतलब इस टॉपिक को कर लेते तो पता चलेगा कि आपने बचपन में बचपन में बादाम कितना खाया था। अच्छा सर, बादाम खाने से दिमाग तेज होता, तो सबसे तेज दिमाग तेज जो तेज दिमाग है ना वो पठान का होता, पठान का, वो बहुत बादाम खाते हैं पठान तो। नहीं, हमें तो बचपन से खाया था बादाम खाओ दिमाग तेज होगा। अरे कहाँ सर, बादाम खाने दिमाग कहाँ तेज होता है, धोखा खाओ फिर दिमाग तेज होता है सर। हाँ वो तो है ही सर, धोखा खाने से दिमाग तेज होता है। लेकिन एक चीज और भी है, चाणक्य ने, हमारे यहाँ चाणक्य थे बहुत बड़े।